एज आई सेड चिल्ड्रन, न्यूमरस इंटरप्रिटेशन कुड बी डन, न्यूमरस, सो इसीलिए इन स्टेटमेंट्स को बेसिकली बनाया जाता है. तो पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन हाउ टू प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल? यस सर. चलिए चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर टू आपको नजर आ रहा है, नारंग कलर्स आंसर. यस सर. चलिए अभी हम पहले सो कॉल्ड कंपैरेटिव बैलेंस शीट समझेंगे. चिल्ड्रन, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कैप्शंस ऑफ द फॉर्मेट? कोई भी डिफरेंस आपको फॉर्मेट के कैप्शंस में नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है भाई? मेरे को तो सेम लग रहे हैं. वहां पे भी करंट ईयर था, यहाँ पे भी करंट ईयर है. वहां हे भगवान, कुछ लोग तो सही में मेंटल है. कह रहे एब्सोल्यूट चेंज के नीचे करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर नहीं लिखा है भाई. वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड है, रहेगा ही रहेगा. मैं मेन हेडिंग्स की बात कर रहा हूँ. एकदम सेम है, सिर्फ चिल्ड्रन पर्टिकुलर कॉलम का कॉम्पोजिशन असेट्स और लाइबिलिटीज कॉन्स्टिट्यूट कर लेगा. द मैथमेटिक्स अप्लाइड विल बी सेम जैसा आपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल में किया था. समझ में आ गई सबको बात? यस सर. आ गई बात? चलिए, सो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी चिल्ड्रन, वैसे ही आप पेज को हाफ फोल्ड कर लीजिए. लेफ्ट कॉलम में आप बनाएंगे व्हाट इज कॉल्ड एज पर्टिकुलर्स एंड नोट नंबर, एंड राइट साइड चिल्ड्रन फोर इक्वल साइज कॉलम्स. समझ गए? समझ गए? चलिए पेज को सेंटर फोल्ड कर लीजिए. चलो, कंपैरेटिव बैलेंस शीट वुड बी द हेडिंग. द हेडिंग वुड बी चिल्ड्रन कंपैरेटिव बैलेंस शीट. पर्टिकुलर्स कॉलम और नोट नंबर कॉलम आपका लेफ्ट कॉम्पोजिशन होगा. करंट ईयर एब्सोल्यूट, सॉरी प्रीवियस ईयर एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज, ये राइट साइड में. क्विकली ड्रॉ दिस एंड चिल्ड्रन इनटैंजिबल असेट्स तक कॉपी कर लीजिए फास्ट. सो चिल्ड्रन, सबने हेडिंग्स के साथ लाइबिलिटी साइड पूरा कंप्लीट कर लिया. नाउ पुट द कॉम्पोजिशन रिप्रेजेंटिंग द असेट्स. इंटेंजिबल तक शायद आपने लिखा होगा, और अगर सिर्फ लाइबिलिटी तक लिखा है तो आगे कंप्लीट कर लीजिए पर्टिकुलर्स कॉलम. तो मैथ्स एग्जैक्टली सेम चलेगी चिल्ड्रन. करंट ईयर प्रीवियस ईयर की वैल्यूज आपको दी जाएंगे, आप पुट कर लीजिएगा. डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिएगा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके, यही फॉर्मूला रहेगा. ओके, प्लस में आ रहा है तो कोई बात नहीं, माइनस में आ रहा है तो ब्रैकेट में लगा दीजिएगा. और लास्ट कॉलम जो एब्सोल्यूट चेंज है उसका फॉर्मूला सबको पता है, सॉरी परसेंटेज चेंज का, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू होल मल्टीप्लाइड बाय 100. क्विकली पुट दिस. चलिए, तो चिल्ड्रन एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस कॉम्पोजिशन की कंपैरेटिव बैलेंस शीट की जो गणित है दैट इज मैथमेटिक्स सेम है, सिर्फ कॉम्पोजिशन फर्क है. लॉजिक समझ में आ गया? तो अभी तक आप लेदर शूज पहनते थे, आज आप स्पोर्ट्स शूज पहन रहे हैं. पहनेंगे तो पैर में ना, सिर में तो नहीं पहन लेंगे उसको. चलो, सो चिल्ड्रन आप इस डेटा को भी प्लीज कॉपी कर लीजिए द कंप्यूटेशनल नोट्स. चिल्ड्रन लगभग सेम ही है, कोई खास फर्क नहीं है. और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन नजर आएगा, मिला बच्चों? इसी क्वेश्चन से हम ड्रॉ करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज कंपैरेटिव बैलेंस शीट. तो प्लीज कॉपी दीज कंप्यूटेशनल नोट्स चिल्ड्रन, क्विकली कॉपी दीज कंप्यूटेशनल नोट्स वेरी क्विकली. यस सर. यस सर. तो चिल्ड्रन आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहा है शायद, 2016 31st मार्च एंड 17, तो प्रीवियस ईयर 16 हो गया और करंट ईयर 17. एक और फॉर्मेट बनाएंगे चिल्ड्रन आप इस तरह का, पर्टिकुलर्स नोट नंबर 17 16 एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज. गॉट इट क्लियर? सबको ये नजर आ रहा है? चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको क्वेश्चन का ग्रुप में दे देता हूं. आपको सिर्फ पर्टिकुलर्स कॉलम 2017 और 2016 बस ये कॉपी करना है, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. रिमेनिंग वील बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास. तो वेरी क्विकली चिल्ड्रन, वेरी क्विकली एक फॉर्मेट बना लीजिए बस आप.